दोस्तों नमस्कार। तो हम सब जानते हैं कि पूर्व तेज गेंदबाज मॉर्नी मोगल भारत के बॉलिंग कोच तो बन गए हैं, पर क्या आप जानते हैं कि क्या है मॉर्नी मोगल के तेज गेंदबाजी का राज? हालांकि जब मॉर्नी मोगल लखनऊ के कैंप में थे तो वहां पर वो खास तरीका अपनाते थे अपनी गेंदबाजी में धार लाने का या फिर इसे और तेज करने का, जिस तरीके को कहा गया था स्पीड रिटर्न। स्पीड रिटर्न एक टेक्निक थी जिसको अक्सर कोचिंग में यूज करते थे यहाँ पर मॉर्नी मोगल। स्पीड रिटर्न तकनीक आखिर होती क्या है? स्पीड रिटर्न तकनीक में जो गेंदबाज हैं वो अपनी शीर्ष गति की गेंद फेंकते हैं, यानी कि जो अपनी जो नॉर्मल स्पीड है उससे कुछ 10-15% ज़्यादा तेज गति से रफ्तार से गेंद को फेंकते हैं। इस गेंदबाज जब गेंदबाजी के दौरान गेंदबाजों को अपने कंधे का इस्तेमाल करना होता है और कंधे के जोर लगाकर गेंद को और भी तेजी से फेंकना होता है। जिस तरह से आप देखेंगे कि मयंक यादव जिस तरह से अपनी जब शुरुआत में आए थे तब 145 और 148 की गेंद फेंकते थे, लेकिन स्पीड रन तकनीक उनके लिए इतनी कारगर साबित हुई कि इन्होंने एक बार तो 154 की भी गेंद फेंकी। जिस तरह से स्पीड रन तकनीक का यूज़ करते हैं मॉर्नी मोगल वो कई भी सारे गेंदबाजों के लिए लाभकारी साबित हुई है, चाहे अब यश ठाकुर की बात करें या फिर मोहसिन खान। ये सभी जो तेज गेंदबाज थे इन्होंने ये माना भी कि IPL में इनकी गेंदबाजी में और निखार आया, जिस तरह से इन्होंने गेंदबाजी और तेज करी इसमें सबसे बड़ा योगदान है स्पीड रिटर्न तकनीक का जो मॉर्नी मोगल ने ही ईजाद करी है। इस तकनीक में अक्सर होता क्या है, आप कई बार देखेंगे कि भुवनेश्वर कुमार अक्सर चोटिल रहते हैं अपने बॉलिंग एक्शन को लेके। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन भी यही है कि जब भुवनेश्वर कुमार अपनी तेज गेंदबाजी करते हैं तो वो कंधे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और उस कंधे के इस्तेमाल से कई बार उनको चोट आती है, जो कि अक्सर फास्ट बॉलरों के साथ देखने को मिलता है। जहाँ तक आप कहेंगे कि जसप्रीत बुमराह कभी चोटिल नहीं होते अपनी गेंदबाजी की वजह से, क्योंकि दो तरह के गेंदबाजी एक्शन होते हैं, लेकिन जो एक्शन और गति को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि मॉर्नी मोगल भी करते हैं, यानी कि स्पीड रिटर्न तकनीक। स्पीड रिटर्न तकनीक से गेंदबाजी की स्पीड तो बढ़ती है लेकिन चोटिल होने का खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है। स्पीड रिटर्न तकनीक के दौरान जब मॉर्नी मोगल अपनी गेंदबाजी के लिए लखनऊ के कैंप में बैठा करते थे तो गेंदबाजों को देखते रहते थे और उनसे कहते थे कि अपनी गति से आप जितनी गति से गेंद डालते हैं उसके 10-15% और गति में डालिए और जितनी तेज हो सके गेंद फेंकने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर गेंदबाजों के स्टैमिना और उनकी गेंदबाजी के करने के तरीके को दोनों को वो अच्छे से ढालते थे और तेज गति में और भी सुधार लाते थे। इसके बाद वो लाइन और लेंथ में फोकस करते थे लेकिन शुरुआत वो स्पीड रिटर्न तकनीक से ही करते थे, यानी कि स्पीड रिटर्न तकनीक कितनी कारगर साबित हुई है ये आप लखनऊ के खेमे में देख सकते हैं कि लखनऊ के जो तीनों मेन गेंदबाज हैं यानी कि यश ठाकुर, मोहसिन खान और मयंक यादव, तीनों ही तेज गति के गेंदबाज नहीं हालांकि काफ़ी ज़्यादा तेज गति के गेंदबाज हैं। जिस तरह से मोहसिन खान 150 की स्पीड से बॉल डालते हैं, यहाँ पर यश ठाकुर भी और मयंक यादव 154 की गति से भी गेंद डाल लेते हैं, तो स्पीड रिटर्न तकनीक इतनी ज़्यादा कारगर साबित होती है। अब देखना ये होगा कि क्या भारत के खेमे में आने के बाद अब मॉर्नी मोगल अपनी स्पीड रिटर्न तकनीक को जारी रखेंगे, जिस तरह से जसप्रीत बुमराह है उनकी गेंदबाजी, उसके बाद अर्शदीप, मोहम्मद सिराज, और मोहम्मद सिराज तो अपनी तेज गति की गेंदबाजी के लिए जानते ही हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी कारगर साबित होंगे। यहाँ पर मॉर्नी मोगल एक तरह से सौगात मिल जाएगी यहाँ पर इंडिया के तेज गेंदबाजों को, और जब स्पीड रिटर्न तकनीक से अवगत कराएंगे ये भारतीय गेंदबाजों को तो क्या पता हमें गेंदबाजी में और भी ज़्यादा धार देखने को मिले। तो हालांकि ये थे पूरी स्पीड रिटर्न तकनीक के बारे में, मॉर्नी मोगल किस तरह से करते हैं और किस तरह से एक नई स्पीड लेके आते हैं गेंदबाजों के अंदर, हालांकि क्या इस पर आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।